किया था कि हत्याकांड के बारे में आप इसकी सच्चाई को उजागर करिए, मैंने किया था। आज वही बात प्रमुखता से प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में रिपोर्टाज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिरधारी उर्फ डॉक्टर रहने वाला है चोलापुर का, और क्राइम जो है ये जौनपुर में ज़्यादा करता है। जौनपुर के सफ़ेदपोश का मतलब है जो अंदर अभी गया, तथा कथित जो सफ़ेदपोश का उसको कहते हैं लोग, हम उसको काला पोश कहते हैं, नकाब पोश कहते हैं, वो है धनंजय सिंह। मैंने इसका नाम लिया था। दूसरे हैं चंदौली के, जो नाम आया है इसमें कि एक चंदौली के नेता हैं, राजनेता हैं, जो भी हैं, वो हैं बृजेश सिंह माफिया डॉन के सगे भतीजे, सुशील सिंह विधायक, जो नाजायज तरीके से, गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन्होंने सेंट्रल की सुरक्षा प्राप्त कर रखी है। ऐसे ऐसे अपराधी जिनके पास दो दो दर्जन परिवार में लाइसेंसी असलहे हैं, पिस्टल हैं, रिवाल्वर है, हर चीज़ है, ऐसे लोगों को सेंट्रल सुरक्षा भी और यूपी का भी सुरक्षा दिया जा रहा है, जो नूतन ठाकुर वर्सेज स्टेट यूपी एंड अदर्स में जो रूलिंग बनाई गई ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने, और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था मुलायम शासन काल में, और वहाँ से भी जो है डिफीट खाया और जो है PIL खारिज कर दिया और रिमांड कर दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय को। तो इसमें अनेकानेक रूलिंग है। सुरक्षा ऐसे ऐसे अपराधियों को मिल रहा है जिनके ऊपर 40-50 मर्डर केस है, IPS अधिकारी खाली ताक रहे हैं, विधायक जी करके बैठा रहे हैं। ऐसे अछूत लोगों को जो है वो सुरक्षा दिया गया है सेंट्रल का है। अभी तक जो है धनंजय सिंह के खिलाफ जो है न NSA लगा, न जो है और न ही जो है गैंगस्टर लगाया गया, और न ही 14-1 की कार्रवाई अमल में लाई गई। आदमी का खून नहीं पानी हो गया है क्या? जब चाहे मार दो गोली, पुलिस कुछ नहीं, राजफास खत्म, एक राज बन के रह जाएगा मर्डर। एक दिन मेरा भी मर्डर जो है होगा, अब पुलिस कहेगी साहब पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सफ़ेद पोश हैं, जिनको नकाब पोश कह रहे हैं, काले ये नकाब पोशी हैं, तो ये बृजेश सिंह तीसरे, तो बृजेश सिंह जो सेंट्रल जेल में बंद है, ये शूटर जो है, जो गिरधारी उर्फ डॉक्टर है और अन्य शूटर से बृजेश सिंह की बात हुई थी, सुशील सिंह ने कराई थी, और इंडिया होटल में एक बड़े जमीन की पंचायत हुई थी जिसमें नितेश सिंह बबलू भी शामिल थे, और उस जमीन की पंचायत पहले जो है मुन्ना बजरंगी ने वहाँ झांसी जेल से पेशअप किया था, लेकिन वह सुलह उसके मरने के बाद ख़त्म हो गई। फिर नए सिरे से बबलू सिंह, रितेश सिंह बबलू, जो लखनऊ के एक बड़े ही मतलब कहा जाए बहुत रसूखदार, लखनऊ के रसूखदार और दबंग और निडर व्यक्तित्व के आदमी हैं बाबू प्रदीप सिंह जी, जो बनारस के ही यहीं के रहने वाले हैं, लखनऊ में बस गए। बाबू प्रदीप सिंह के साथ जो है रितेश सिंह बबलू हो गए थे, और रितेश सिंह बबलू की हत्या इसीलिए कराई गई, और मुख्य जो है सूत्रधार जो है इसमें सुशील सिंह, धनंजय सिंह, और इंडिया होटल में जब पंचायत हुई तो उस पंचायत में रितेश सिंह बबलू, जवाहिर जायसवाल और विजय जायसवाल होटल इंडिया का मालिक, और हीरा लाल जायसवाल
बिल्डर्स, ये सारे लोग शामिल थे उसमें, क्योंकि हीरालाल जायसवाल उस जमीन को ले रहे थे किसी एक आदमी से, शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज कैमरा से भी साबित हो जाएगा ये बात। यह पंचायत होती, इस पंचायत में सुशील सिंह विधायक भी शामिल थे और धनंजय सिंह भी शामिल थे। तो ज्यादा कुछ अब पुलिस को नहीं करना है भाई, पुलिस जो है शूटर को क्या खोज रही है, शूटर को क्या खोज रही है भाई पुलिस। जब सब साबित है तो आप जो है विधायक सुशील सिंह को पूछताछ के लिए आईओ महोदय आमंत्रित करें, उनको 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी करें या 41 सीआरपीसी का जारी करें और उनको तलब करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए, ताकि और भी जो इसमें शामिल थे मारने वाले के, वो लेकर ही थोड़ी था मारने वाला, 3-4 की संख्या बताई जाती है। और जो इसमें एक अखबार ने झूठे फोटो छाप दिया है बड़का क्रेडिट लेने के लिए, ये अमर उजाला ने एक फोटो छापा है मोटरसाइकिल बाइकर्स वाले, यक्षय यादव है ये शिवपुर का, इसको पुलिस ने पकड़ा भी था बाद में इसको छोड़ दिया, अब इसका फोटो छाप के गुमराह कर रहा है अमर उजाला। अमर उजाला के क्राइम रिपोर्टर क्या कर रहा है भाई, है ये फोटो छाप रहे हैं बताइए, इसको तो पुलिस ने पकड़ा सब चेक किया ये नहीं था, छोड़ दिया गया इसको, जबरी इसको ला रहे हैं, घसीट रहे हैं लोग, यही शिवपुर में रहता है, इसका घर हम भी जानते हैं, उधर से आ रहा था घटना के होने के बाद, घटना के समय। ब्रजेश सिंह को जेल में जाकर आइयो पूछताछ करें, अगर दम है तो, अगर पुलिस का इकबाल बुलंद करना है तो मेरे देश के आईपीएस भाइयों, आईपीएस अधिकारियों, माननीय आईपीएस अधिकारियों, पीसीएस पीपीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों, माननीय आईएएस अधिकारियों, माननीय पीसीएस अधिकारियों, इन लोगों को अगर पुलिस रेगुलेशन एक्ट के को मजबूत करना है, भारत के सीआरपीसी आईपीसी का जो बनाया गया है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मजबूत करने चाहते हैं तो ये आईपीएस ही कर सकता है। कैसे आपने तेलंगाना में देखा कि डॉक्टर का जो है रेप करते हैं, रेपिस्ट दूसरे दिन गिरा, ऐसे आईपीएस की जरूरत है, जो न शासन देखे न सत्ता देखे, जो नियम कानून है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस के कंधों पर है। अब पुलिस को, पुलिस गवर्न होती है आईपीएस अधिकारियों से, आईएएस अधिकारियों से। तो आज अगर आप अपना हौसला बुलंद नहीं करेगी पुलिस, पुलिस के अधिकारी, तो इसी तरह से तमाम निर्दोष मारे जाएंगे, किसी की माँ का बच्चा छीन लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, किसी और बहन का सिंदूर मिटा दिया जाएगा और किसी का दुधमुहवा बच्चा का पिता मार दिया जाएगा, किसी का भाई मार दिया जाएगा। तो ये बड़ी अजीब विडंबना है। ब्रजेश सिंह से जाकर आईओ सेंट्रल जेल में कोर्ट से अनुमति लेकर जाकर पूछताछ करें, सुशील सिंह को बकायदा नोटिस जारी करें, 41 सीआरपीसी के तहत जारी करें और उनको बुलावें, उनसे पूछताछ करें कि आपका इसमें नाम आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, इस शूटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और कौन शूटर था। धनंजय सिंह को पुलिस रिमांड पर ले, उनका रिमांड बनवाया इस केस में, और धनंजय सिंह को रिमांड पर लेकर 20 लाठी जब मारेगी पुलिस सब खोल देंगे। आज पुलिस कहाँ खड़ी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1977 की पुलिस जो बीपी सिंह तत्कालीन माननीय श्री बीपी सिंह एसएसपी हुआ करते थे और सियाल साहब जो है डीआईजी हुआ करते थे, 1977 में जो है लल्लू सिंह का एनकाउंटर हुआ, सभासद होते हुए भी मारे गए, और तमाम ऐसे अधिकारी थे, पीसी सिंह का नाम लेना चाहते हैं, प्रेमचंद सिंह जी का जो रिटायर हो गए, वो भी जो है जाति भावना से ऊपर उठकर मानवता के पुजारी थे, कानून का पालन कराना उनका सुनिश्चित कराना उनका उनकी कर्तव्य प्रायणता में शामिल था। ऐसे अधिकारी जो रंजन द्विवेदी जैसे अधिकारी जो मुख्तार अंसारी के पकड़ने के लिए विधानसभा घेर लिए खुद खड़े होकर,
मायावती ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनको जो है विदेश भेज दिया ट्रेनिंग पर, और डीजीपी को मौके पर बैठ पहुंच के हटाना पड़ा और मुख्तार निकल के चले गए। तमाशा बना है, ये अपराधियों का पूरा चंबल घाटी बन जाएगा बनारस पूर्वांचल के, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। जुट्ठे अट्ठो चूतिया डायरेक्टर जो है रक्तांचल बना दिया, सब फर्जी उसमें दे दिया, सब बेकार का, सब सब जो है सोची समझी नीति के तहत सब सब लगा दिया। अब दूसरा आने वाला है रक्तांचल, बारे रक्तांचल हद हो गया यार झूठ का, ये सब नहीं चलेगा। माफियाओं के पैसे से पिक्चर बन रहा है, आज तक से लेके सोनी टीवी से लेके एनडीटीवी हर जगह पर जो इसका विज्ञापन लगा हुआ है। और जवाहरलाल जायसवाल जो दो बार जेल जा चुका, तीन बार जा चुका है, उसका लड़का भी जेल जा चुका, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है। बहुत बड़ा लतखोर है जवाहर जायसवाल सारा माफिया, और इसका भाई विजय जायसवाल उससे बड़ा लतखोर है। सब अपराधियों का, ये सब पूरा अपराधियों का सिंडिकेट चलाता है जवाहर जायसवाल, बड़े बड़े अपराधियों के बल पर जो है टेंडर मैनेज कराता है, शराब ठेका लेता है, यहां से लेके पूरा राजस्थान तक फैलाया है, इसके लड़के की गुंडाई से पूरा जेएसबी माल के लोग त्रस्त हैं, जवाहर जायसवाल की गुंडाई से पूरा जो है रामाडा होटल रामाडा के कर्मचारी से लेके जीएम तक त्रस्त हैं। जवाहर जायसवाल अपनी आदत छोड़ो, और नहीं तो चप्पल चप्पल तुमको मारूंगा, तुमको और विजय जायसवाल को। जिस दिन मैं घर से निकलूंगा तो मैं बताऊंगा माफियाओं को कि वो हैं कि हम हैं, दो ही में से एक रहेंगे, या राकेश नायक रहेंगे या वो रहेंगे। हमारे पास संसाधन नहीं है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, इन कमीनों के पास तमाम तरह तरह के जो है रंगदारी से लेके कोयला से लेके टेंडर से लेके ठेका से लेके बालू खनन लिया है विधायक सुशील सिंह है, बालू खनन दो ले लिया है गंगा बालू, जबकि गंगा बालू पर रोक लगी फिर भी उनका बालू खनन जारी है। अरे खनन ले लो, फनन ले लो, मट्टी पूरा काढ़ लो, पूरा समुंदर बना दो शहर को। 25-25 करोड़ रुपया जिला पंचायती अध्यक्षी में खर्चा करते हो, और इधर ये ब्रिजेश सिंह जो है ये जो है चुनाव लड़ा 90 करोड़ खर्चा किया, अपने जीता 70 करोड़ में अपनी बीबी अन्नपूर्णा सिंह जी, 6 पराडो से चल रही। कौन अन्नपूर्णा सिंह जी? अरे साइकिल से चलते थे, हल्का साइकिल से मुझे मालूम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बबलू सिंह मामले में विधायक सुशील सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, ब्रजेश सिंह का रिमांड बनाया जाए, पूछताछ किया जाए, और धनंजय सिंह का रिमांड बनाया जाए, धनंजय सिंह को एनएसए में बंद किया जाए, सुशील सिंह को भी एनएसए में बंद कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की एक छवि है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है। तो आरएसएस के लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे अपराधियों को आप पार्टी से निकलवाएं, वरना बहुत छवि धूमिल हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस पर एक कलंक है, इन कलंकों को धोना पड़ेगा जातीय व्यवस्था से ऊपर उठकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये पूरा लूट ले रहे हैं, ये सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो ये प्रश्न आपने उठाया, और बहुत बहुत धन्यवाद अखबार वालों को जिन्होंने ये निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।